हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर वैल्यूज़ क्लास। आप लोग का वैल्यूज सैटरडे को था, वैल्यूज़ क्लास, बट देर वॉज सम इश्यू, आई कुड नॉट सेंड यू अ वीडियो, सो टुडे आई एम सेंडिंग यू। सो इन द लास्ट जूम क्लास ऑन 18th of December, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर 6, रिफ्यूजल स्किल्स वॉज डन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन because some of you had missed it and some of you now don't remember. So I'm repeating this refusal skills explanation. I'll be doing it in short. Okay. Refusal skills means mana karna. Refuse karna matlab kis cheez ke liye mana kar dena. To refusal skills kyun chahiye hame? Hame mana kyun karna hai kuch cheezon ko? Why we need to learn to say no? Is because sometimes we might be there in a dangerous or a harmful situation. हम किसी ऐसे situation में हो सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसे case में हमें ना बोलने आना चाहिए. Okay, so यहाँ पर दो examples हैं कि अनीश और अश्विन दो classmates हैं. एक दिन अश्विन कहता है अनीश को कि let's miss school and we'll go to the mall. तो अनीश कहता है कि स्कूल मिस करके तो नहीं जाना. अश्विन उसको कहता है कि नहीं, मम्मी पापा को नहीं पता चलेगा, हम आराम से होके आएंगे. तो भी अनीश ने सिंपली मना कर दिया. अब यहाँ पे अनीश और अश्विन गुड फ्रेंड्स हैं, तो भी अनीश को जो अश्विन के प्रपोज़ल में अश्विन ने जो ऑफ़र दिया था वो उसमें उसको अच्छा नहीं लगा. इट वॉज़ नॉट गुड. इट माइट बी हार्मफुल, पेरेंट्स को पता चल सकता है या स्कूल को पता चल सकता था, तो इसलिए उसने मना कर दिया. ठीक है, लेटर ऑन अश्विन को सस्पेंड कर दिया गया स्कूल से क्योंकि उसने स्कूल बंक किया था. तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जिसमें आप टेम्पटिंग मतलब टेम्पटेशन यानी अट्रैक्शन हो सकता है उस चीज़ का, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है. ऐसे केस में आपको ना बोलने आना चाहिए. जैसे किसी तरह का एडिक्शन मतलब कोई बैड हैबिट जो जल्दी से नहीं जाती, जैसे कि बहुत लोगों को सिगरेट स्मोक करने की हैबिट होती है, तो वो उनके लिए हार्मफुल है बट फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाते. तो इस तरह के जो है चीज़ें, अगर उन्होंने शुरुआत में ही ना बोल दिया होता, किसी फ्रेंड ने अगर उनको सिगरेट ऑफ़र किया स्मोक करने का और उन्होंने उसी टाइम ना कह दिया होता, तो उनको हैबिट नहीं लगती. इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल है कि सौरभ एक स्टूडेंट है, वो वीडियो गेम्स खेलता है घंटों तक और उसके पढ़ाई के ग्रेड्स फिर कम होते जा रहे हैं, मार्क्स उसके कम होते जा रहे हैं. तो एक दिन उसकी मम्मी ने कहा कि तुमको पसंद है वीडियो गेम खेलना, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम एक घंटा लिमिट कर दो और उसके बाद बाकी का टाइम पढ़ाई, फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलना या मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब करके देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा. पहले तो सौरभ ने मना किया, लेकिन फिर उसने बाद में अपनी मम्मी की बात मानी. तो यहाँ पर उसने मम्मी को मना नहीं किया, यहाँ पे उसने अपनी मम्मी की बात मानी. ठीक है, तो कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे आपको नो बोलना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट नाउ विल डू द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अनीश रिफ्यूज टू गो टू मिस स्कूल? बिकॉज अनीश डिड नॉट वॉन्ट टू lie at home. वो घर पे झूठ नहीं बोलना चाहता था, घर पे झूठ बोल के बाहर घूमना उसको मंजूर नहीं था. Why did Anish, second question सिर्फ इतना ही है, think of some addictions which harm us. Watching TV, playing video games, ये सब आपके addiction हैं. कुछ लोगों में smoking भी हो सकता है. Okay, smoking या drinking alcohol, ये सब भी एडिक्शन हो सकता है. ओके, तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट वीडियो का, इस स्क्रीन का, तो आप लिख सकेंगे अपने टेक्स्ट बुक में. नोटबुक में नहीं, सॉरी, टेक्स्ट बुक में ही आपको लिखना है. ओके, सो यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली. ओके, देन अभी हम डिस्कस करेंगे. ये सब आपको सिचुएशन सोचनी है और आपको सोचना है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे आऊं तो मुझे क्या करना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू बीन प्रेशराइज्ड टू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल?
हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे आपको अपनी मर्जी के अगेंस्ट में कुछ करना पड़ रहा है तो और आपने उसको कैसे किया, ये आपको सोचना है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू हैव अ फ्रेंड हु लव्स टू प्ले गेम्स ऑन हर फादर्स मोबाइल फोन. ओके, शी हार्डली स्पेंड्स टाइम विद अ फैमिली एंड फ्रेंड्स. वॉट कैन यू डू इन सच अ सिचुएशन? मुझे तो लगता है कि फ्रेंड से छोड़ो आप खुद भी ऐसी सिचुएशन में होंगे कि जो अपने मम्मी या पापा के मोबाइल में पूरा दिन गेम खेलते रहते हैं और फिर अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. तो ऐसे में आप क्या करोगे? सपोज आप नहीं हो लेकिन आपका फ्रेंड है, तो आप उसको कैसे समझाओगे, या आप उसको समझाओगे कि नहीं समझाओगे? दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन. क्योंकि अगर आपको खुद को भी मोबाइल फ़ोन की हैबिट लगी हुई है, मुझे लगता है अभी तो सब सारे के सारे बच्चों को लगी हुई होगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप, स्कूल का व्हाट्सएप देखने के लिए कि स्कूल से कोई पढ़ाई का मैसेज आया है, जब आप फ़ोन उठाते हो तो फिर दूसरी चीज़ों की भी बहुत टेम्पटेशन हो जाती होगी आपको कि स्कूल के मैसेजेस में से बाहर निकल के और आप गेम शुरू कर देते होगे. आई एम श्योर सब के सब बच्चे ऐसा कर रहे हैं. तो आपको खुद को सोचना है कि ये जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है. स्टूडेंट्स, आप लोग अभी सिक्स स्टैंडर्ड में हो, सिक्स्थ की पढ़ाई आप घर पे कर रहे हो खुद से, है ना, टीचर नहीं है आपके साथ, आप खुद से कर रहे हो, थोड़ा बहुत मम्मी पापा की हेल्प ले रहे हो. ऐसे में आप सेवेंथ में अगर आते हो, आ जाते हो और फिर आपको पता चलता है कि मुझे सिक्स्थ का ये चीज़ तो ठीक से लर्न नहीं था, सिक्स्थ का ये टॉपिक तो मुझे पढ़ा ही नहीं मैंने, ऐसे सिचुएशन में आप खुद ही डिसाइड करो कि सेवेंथ में आने के बाद आपका क्या हाल होगा. और वही सोच के आई होप दैट यू विल टेक करेक्ट एक्शन. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थिंक टैंक, यानी आपको सोचना है कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें आपको सोचना है कि आपको क्या करना होगा. इमेजिन दैट यू आर टेकिंग योर फाइनल एग्जामिनेशन एंड यू नो ऑल द आंसर्स. योर फ्रेंड हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू आस्क हिम टू हेल्प हर विद अ फ्यू आंसर्स. व्हाट विल यू डू? यानी बेसिकली आपका फ्रेंड आपको चीटिंग करने के लिए बोल रहा है कि मुझे प्लीज़ आंसर्स बता दो. ऐसे में आप क्या करोगे? फ्रेंडशिप रखोगे कि नहीं फ्रेंड है बेचारा उसकी हेल्प कर दूँ, या फिर अपना फ्यूचर का रिस्क लोगे? क्योंकि अगर आपने उसको बताया और किसी टीचर ने देख लिया तो आप भी चीटिंग कराने के क्राइम में पकड़े जा सकते हो. चीटिंग करने के साथ चीटिंग कराना भी क्राइम है. फिर आप पकड़े जाओगे तो आप सोच लो फिर आपको क्या करना है. ओके, नेक्स्ट, योर फ्रेंड हैज़ अ हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम होम एंड स्पेंडिंग एक्सेसिवली ऑन हिज और हर फ्रेंड्स. द फ्रेंड नाउ आस्क यू टू स्टील मनी फ्रॉम योर होम. व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन? ओके, उस फ्रेंड को क्या हैबिट है? पैसे चुराने की. घर से पैसे चुरा के फिर उसको यहाँ वहाँ खर्च करने का, पार्टीज करने की, अपने फ्रेंड्स के ऊपर एक्सेसिवली खर्च करने का. तो अब वो आपको भी कह रहा है कि तुम भी पैसे चुरा लो घर से और फिर हम पार्टी करते हैं. अब आप क्या करोगे? एक तो आप सिर्फ उसको ना कहोगे, ना तो आपको कहना ही है, लेकिन आपको उसको इस तरह से ना कहना है कि वो खुद भी वैसा काम ना करे. ओके, तो आपको सोचना है कि ऐसे में आप क्या करोगे. थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक शोज योर पुअर रिफ्यूजल स्किल्स. पुअर रिफ्यूजल स्किल्स यानी आपको ना बोलने ठीक से नहीं आता. पुअर मतलब बैड, नॉट गुड. यू आर विलिंग टू मिस योर स्कूल टू गिव कंपनी टू योर क्लासमेट्स. अगर आपका फ्रेंड कहता है कि चलो स्कूल मिस करके कहीं घूमने जाते हैं या क्या, तो और आप मान जाते हो, तो उससे क्या पता चलता है कि आपको ठीक से ना बोलने नहीं आता. यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ लिफ्ट ऑफर इन अ कार ऑफर्ड बाय अ स्ट्रेंजर. आप सड़क पे खड़े हो और अकेले हो, कोई स्ट्रेंजर आपको बोलता है कि चलो मैं आपको घर छोड़ दूँ या मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ. आप अगर ले लेते हो लिफ्ट तो आप बहुत ही बड़े रिस्क में फंसने वाले हो. तो इस केस में भी आपको ना बोलने ठीक से आना चाहिए. You agree with your parents when they ask you not to go out with a person whom you do not know well. इसमें तो आप agree करना तो अच्छी बात है, इसमें poor refusal skills की कोई बात ही नहीं है. You are willing to be a part of group planning.
टू बी अ प्राउड प्लानिंग ग्रुप प्लानिंग टू टीज अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड को आप टीज करने वाले हो, उसको तंग करने वाले हो और आप उसके उस ग्रुप में आप हो, तो ये क्या अच्छी बात है? ओके, मेल बॉक्स आप खुद करोगे, रीडिंग टाइम आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में पता लगाना है, व्हाट इज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, ओके इसके बारे में आपको पता लगाना है। कम टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज इज प्रोजेक्ट वर्क, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए एक हम हैबिट बैड हैबिट के बारे में डिस्कस करें स्मोकिंग, तो इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या क्या, इल इफेक्ट्स मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, वो मैंने लंग डिजीजेस लिखी है, आई डिजीजेस लिखी है, आर्थराइटिस लिखा है और एम्फिसीमा लिखा है, ये सब शॉर्ट शॉर्ट लिखा है। आपको इसके बारे में पता लगाना है कि किस किस तरह की लंग डिजीजेस हो सकती है स्मोकिंग से, आई डिजीजेस किस तरह की हो सकती है, व्हाट इज आर्थराइटिस, आर्थराइटिस होता क्या है और एम्फिसीमा ये होता क्या है, तो यू हैव टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट ऑल दिस। ओके, देन कम टू नेक्स्ट पेज, अब हम लास्ट करेंगे सेल्फ असेसमेंट। ओके, असेस विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स योर स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल स्किल्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रांगली ना कहने की स्किल्स। अ फ्रेंड आस्क यू टू टीयर अ फ्यू पेजेस ऑफ अ रेफरेंस बुक इन अ लाइब्रेरी विच यू नीड टू कम्प्लीट योर होमवर्क। लाइब्रेरी में कोई बुक है जिसके कुछ पेजेस में ऐसा लिखा हुआ है जिससे आपको होमवर्क करने में हेल्प मिले, तो आप क्या करोगे? आपका फ्रेंड बोलता है चलो फाड़ के घर ले जाते हैं, फिर घर पे बैठ के नोट्स अच्छे से कंप्लीट करते रहेंगे होमवर्क, तो क्या ऐसा करना सही है? पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि सही है या गलत है, ठीक है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि उसको उसकी बात माननी है या नहीं माननी है। सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्ट्रेंजर ट्रैवलिंग विथ यू इन ट्रेन ऑफर्स यू सम चॉकलेट्स इन द एब्सेंस ऑफ योर पेरेंट्स। आप ट्रैवल कर रहे हो और सपोज आपके पापा नीचे सपोज किसी स्टेशन पे किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ लेने गए हैं, ठीक है, और आपको बोलते हैं बेटा ये चॉकलेट ले लो या कुछ और चीज़ कोई भी और चीज़ खाने की ऑफर करते हैं, तो तुमको उस केस में क्या करना चाहिए? शुड यू टेक और शुड यू नॉट टेक? आई सजेस्ट कि ट्रेन में किसी स्ट्रेंजर से कितनी भी अच्छी आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, कितनी भी अच्छी आप उनसे बात करने लगो, हंस के बातें करने लगो, जान पहचान हो जाए, तभी भी उनकी कोई भी खाने की चीज़ कभी भी लेनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है, वो ऐसे उस खाने की चीज़ में ऐसा मिलाते हैं कि जिससे आप बेहोश हो जाते हो और फिर वो आपका सामान चोरी कर लेते हैं। सो यू शुड नेवर टेक, इस केस में आपको स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल स्किल्स होनी चाहिए। थर्ड, अ फ्रेंड आस्क यू टू सी एन अडल्ट मूवी। अडल्ट मूवी मतलब जो बच्चों के लिए नहीं बनी है, जो बड़ों के लिए बनी है, उसमें ऐसा कंटेंट है, वायलेंस है और एग्रेशन है, सेक्स है, ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग के लिए नहीं है। अभी यू आर स्मॉल, आप लोग 6th स्टैंडर्ड में हो, यानी कि आप 12-13 साल के हो, वो ऐसी मूवीज़ आपके लिए नहीं बनी है। लेकिन आपका एक फ्रेंड कहता है कि मेरे लैपटॉप में है, चलो देखते हैं हम मेरे घर पे। ऐसे केस में भी आपको नो कर देना चाहिए, बिकॉज समथिंग विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू दैट मीन्स इट इज़ हार्मफुल फॉर यू। ओके, योर पेरेंट्स आस्क यू टू जॉइन देम फॉर अ फैमिली आउटिंग। अब पेरेंट्स है, दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली सेफ, तो इस केस में आपको मना करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज़ क्लियर। ओके, सो दिस विच फिनिश दिस चैप्टर लेसन नंबर 6 रिफ्यूजल स्किल्स। उससे पहले जो हमने पढ़ा था सेफ्टी वाला, ये दोनों लेसन 5 और लेसन 6 आपके रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत यूज़फुल हैं। सो आपको दोबारा एक बार ये चैप्टर पढ़ के उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने चाहिए कि आपको सेफ्टी आपके लिए क्यों ज़रूरी है और आपको हार्मफुल सिचुएशन में आपको ना कहना क्यों ज़रूरी है। ओके चिल्ड्रन, सो दिस फिनिशेस एंड थैंक यू वेरी मच।